इस वीडियो में हम मेन्यू एक्टिविटी बनाएंगे। तो सबसे पहले मेन्यू एक्टिविटी के लिए हम मेन्यू एक्टिविटी का जो लेआउट है उसको सेट करेंगे। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, इस लेआउट में हम इस एक्टिविटी के अंदर हम दो फ्रैगमेंट को बार बार यूज़र के चॉइस पे सेट करेंगे। तो सबसे पहले हमने लीनियर लेआउट बनाएंगे, रिलेटिव लेआउट नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें खास ज़रूरत है नहीं उसकी। तो सिंपल रिलेटिव लीनियर लेआउट बनाएंगे, उसका ओरिएंटेशन सेट करेंगे वर्टिकल पे। एक टूल बार बनाना है जिसमें हम जिसको हम एक्शन बार साइज देंगे, जैसा कि हमने मेन एक्टिविटी में बनाया था। तो सिंपल वैसे ही टूल बार हमें यहाँ पे डिज़ाइन करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। जैसे कि पर्टिकुलर हमने टूल बार सेट किया था वैसे ही टूल बार यहाँ पे भी सेट करेंगे। वहाँ पे ग्रीन कलर दिया था, यहाँ पे भी हम ट्राई करते हैं ग्रीन ही देते हैं क्योंकि चेंज करने का कोई मतलब बनता नहीं है वैसे भी, इसलिए सिंपल इसको ग्रीन देंगे। और इसके बाद अब इसके बाद क्या करना है, जैसे कि टूल बार यहाँ पे हम बना लेंगे और इसके बाद हमें टूल बार के बाद हम इस पर बनाएंगे एक फ्रेम लेआउट। फ्रेम लेआउट इससे पहले हम आईडी दे देते हैं इसकी। तो आईडी सिंपल आप दे सकते हैं टूल बार, और मेन्यू एक्टिविटी है तो मेन्यू दे देते हैं टूल बार मेन्यू, यानी कि मेन्यू एक्टिविटी का एक टूल बार हो गया आपका। अब हम सिंपल देखेंगे, जैसे कि हमने टूल बार बनाया था, फिर टैब लेआउट बनाया था, फिर हमने व्यू पेजर लगाया था। तो यहाँ पे हम जो है टूल बार बना चुके हैं अपना सिंपल जैसे बनाया था, और इसमें हमें ना व्यू पेजर की ज़रूरत है ना टैब लेआउट की ज़रूरत है, हमें चाहिए एक फ्रेम लेआउट। फ्रेम लेआउट किस लिए ज़रूरत पड़ती है, अगर आपने पिछले मेरे कुछ वीडियोस देखे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने फ्रेम लेआउट, जब हम फ्रेम लेआउट तब यूज़ करते हैं जब हमें सिंपल आपने जैसे क्लिक किया, जैसे मेनू में हमने तीन ऑप्शन थे अबाउट अस और प्रोफाइल का। तो प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद हमने कुछ वैल्यूज़ को की के साथ में एक फ्रैग इंटेंट के थ्रू एक एक्टिविटी में सेंड किया, यानी कि मेनू एक्टिविटी में। अब उस एक्टिविटी के थ्रू हम उस इंटेंट के थ्रू उस वैल्यू को फैच करेंगे, और पर्टिकुलर जो भी हमारी वैल्यू होगी उसके हिसाब से पर्टिकुलर फ्रैगमेंट को हम इस फ्रेम लेआउट में सेट कर देंगे। सिंपल है, अगर आपको नहीं समझ में आया अभी भी तो मैं कहूँगा कि आप फिर से थोड़े वीडियोस देख लीजिए अगर आपको नहीं समझ आ रहा है। बाकी तो बिल्कुल सिंपल है, कुछ खास है नहीं। आप इसको थोड़ा सा और तरीके से सेट कर सकते हैं, जैसे कि आप इसमें दो लेआउट फ्रेम लेआउट भी सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका अबाउट सेक्शन और आपका प्रोफाइल सेक्शन दोनों एक साथ दिखे मेन्यू एक्टिविटी पे तो आप वो भी कर सकते हैं। आप अगला अलग 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 दिखाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपके ऊपर हैं, आप पर्टिकुलर आप क्या करना चाहते हैं। अब हमने यहाँ पे मेन्यू एक्टिविटी का जो लेआउट था वो हमने बना लिया है, तो उसके जो अब वेरिएबल्स विजिट्स हैं उनके हम वेरिएबल्स बनाएंगे। पहले डिक्लेयर करेंगे सिंपल जैसे करते हैं, जो प्रोसेस है डिक्लेरेशन का, फिर इनिशियलाइजेशन का, फिर उसके ऊपर वर्क करने का। तो टूल बार मेन्यू फ्रेम लेआउट दो ही हमने बनाए थे, तो दो ही हमें इनिशियलाइज भी करने पड़ेंगे और डिक्लेयर भी करने हैं। तो सिंपल हमने पहले डिक्लेयर कर दिया, अब हम इसको इनिशियलाइज कर दे रहे हैं। कोई खास चेंज अगर आपको लग रहा है कि अभी है नहीं, तो अभी हमने बिल्कुल सिंपल बनाया है, कुछ चेंज नहीं किया। यहाँ पे अब चेंज करेंगे विंडो डॉट ऐड फ्लैग्स, ये हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये असल में विंडो मैनेजर डॉट लेआउट पैराग्राम्स आपका फ्लैग कीप स्क्रीन ऑन। तो इसमें क्या होगा कि आपके जो यूज़र की जो स्क्रीन है वो कभी डिस्प्ले जो है डिम नहीं होगी। डिम का मतलब यहाँ पे जो हमारा अगर आप जानते हैं जैसे डिस्प्ले जो होती है वो स्लीप पर चली जाती है, तो वो चीज़ नहीं होगी, आपकी स्क्रीन ऑन रहेगी जब तक यूज़र इस एक्टिविटी पर रहेगा। या आप हर एक्टिविटी पे लगा सकते हैं अपनी ऐप के अंदर, तो इससे आपका इससे क्या होता है कि आप थोड़ा सही रहता है, आपकी एक्टिविटी आप इंगेजमेंट बढ़ी रहती है, इंगेज रहता है यूज़र आपके उससे। तो अब हमने जैसे कि देखा आपने कि इंटेंट इज़ नॉट इक्वल टू नल, मैंने पहले चेक किया। उसके बाद अगर सिंपल है नल नहीं है तो क्या करेंगे हम, फ्रैगमेंट वैल्यू इज इक्वल टू इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा करेंगे, और इसमें आपका जो फ्रैगमेंट नेम है वो जो वैल्यू है फ्रैगमेंट नेम की वो यहाँ पे आएगी। व्हेन फ्रैगमेंट वैल्यू, अब यहाँ पे जो भी फ्रैगमेंट वैल्यू होगी उसके हिसाब से हम टास्क को परफॉर्म कर देंगे। जैसे कि आपने देखा था मैंने फ्रैगमेंट वैल्यू हमने नहीं दी है, हमने ऑप्शन नेम दिया है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन नेम रखेंगे और जो वैल्यू है उसको हमने सिंपल जो दिया था वही आप यहाँ पे लिखेंगे व्हेन के नीचे, क्योंकि वरना आप फेच ही नहीं कर पाएगा वो और आपको रन नहीं कर पाएगा। तो सिंपल फ्रैगमेंट वैल्यू की जगह आप ऑप्शन नेम कर देंगे, ऑप्शन वैल्यू हो जाएगी। ऑप्शन वैल्यू अपने हमने वेरिएबल को कर दिया है, ऑप्शन नेम कर दिया है। अब सपोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर, यहाँ पे बिगिन ट्रांजेक्शन करेंगे और जो भी हमारा फ्रेम लेआउट है पर्टिकुलर टाइम पे उसको रिप्लेस कर देंगे आर डॉट आई डी डॉट फ्रेम लेआउट में, यानी कि जो हमारी कंटेनर है वो हमारा फ्रेम लेआउट का एक कंटेनर है उसके अंदर हम डालेंगे। और अभी हमने कोई फ्रैगमेंट नहीं बनाया तो पहले दो फ्रैगमेंट बना लेते हैं, एक हमारा प्रोफाइल का फ्रैगमेंट हो जाएगा, एक आपका अबाउट अस का फ्रैगमेंट हो जाएगा। फ्रैगमेंट अबाउट
का ही बना लेते हैं, एस की कोई जरूरत है नहीं। तो यहाँ पे हम सेट कर देंगे प्रोफाइल पे, जब होगा क्लिक तो प्रोफाइल आपका फ्रैगमेंट सेट कर देगा और यहाँ पे कमिट करना पड़ेगा आपको। अब इसके बाद सिंपल सपोर्ट एक्शन बार डॉट टाइटल भी कर सकते हैं आप, और यहाँ पे प्रोफाइल सपोर्ट डॉट एक्शन बार डॉट टाइटल कर दिया आपने, यहाँ पे हम कॉलन लगाएंगे, सॉरी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगर सपोज वैसे टूल बार डॉट टाइटल कर देते हैं, क्योंकि हमने जब टूल बार बनाया है तो टूल बार में ही सेट कर देते हैं, क्यों फालतू में सपोर्ट एक्शन बार करना। तो टूल बार मेनू डॉट टाइटल टू प्रोफाइल। अब सपोर्ट एक्शन बार इसलिए वहाँ पे नल दिखा रहा था क्योंकि हम सपोर्ट एक्शन बार आपका प्री डिफाइंड होता है, या फिर आपका प्री डिफाइंड होना चाहिए, या तो आप उसको सेट करते हैं। तो अगर वो चीज नल होगी तो वहाँ पे आपको, लेकिन टूल बार हमारा कभी नल नहीं होगा क्योंकि हमने उसको बनाया है, तो वो बनाया है तो वहाँ पे स्लैश भी किया, डिक्लेयर भी किया है, तो वो नल नहीं हो सकता। अब फिर अब हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर फ्रैगमेंट में हम एक वैल्यू डाल लें, क्योंकि हमें चेक करना है कि हम प्रोफाइल पे जब क्लिक कर रहे हैं तो पर्टिकुलर फ्रैगमेंट पे आ भी रहे हैं हम या नहीं आ रहे हैं। तो उसके लिए हम एक सिंपल टेक्स्ट व्यू बना ले रहे हैं, एक प्रोफाइल फ्रैगमेंट का, और अबाउट अस फ्रैगमेंट, अबाउट फ्रैगमेंट में भी हम बना देंगे सिंपल। इसमें आप ऐसे मतलब बना दे रहे हैं ताकि आपको ढंग से दिख जाए हमें, बाकी हमें इसमें कुछ खास अभी नहीं करेंगे वो, क्योंकि बाद में करेंगे। पहले हम चेक कर लें कि पर्टिकुलर क्लिक पे आपके फ्रैगमेंट जो होता है वो रिप्लेस भी हो रहा है फ्रेम लेआउट के अंदर या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो सही है, नहीं हो रहा है तो फिर दिक्कत होगी यहाँ पे। तो इसलिए वो दिक्कत ना हो इसलिए हम अभी ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करेंगे। तो क्योंकि इसी तरीके से आप अगर किसी, ये एक प्रोसेस है, अगर इसी प्रोसेस आप चलते हैं तो आपको आगे चल के थोड़ा सा कम आप कर सकते हैं कि प्रॉब्लम्स देखनी पड़ती हैं, क्योंकि एरर्स होना आएंगी, फिर आपको ही दिक्कत होगी सबको। हम क्योंकि हम सब जानते हैं कि एरर्स बहुत हो जाती हैं कभी कभी, अगर ज़्यादा जितना बड़ा प्रोग्राम हो जाता है फिर उसके बाद एरर्स को फाइंड आउट करने में उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसके लिए सिंपल, सबसे पहले सिंपल सिंपल लेआउट्स बना लेंगे, बना लिए हैं जो कि हमने। और तो क्या करते हैं, अब इसको रन कर लेते हैं पहले सारा सब कुछ सही है। अब रन करते हैं, आपका हमारा वर्चुअल डिवाइस खुला हुआ है, आप देखते हैं लेट्स सी कि कैसे सही आएगा या नहीं आएगा। अगर सही आना तो सही चाहिए, क्योंकि उस खास हमने बनाया भी नहीं है अभी तक, तो सिंपल सा देखा है मैं अभी, तो सिंपल बना दिए हैं अभी। तो इसके बाद बहुत कुछ बनाना है इस ऐप के अंदर, क्योंकि अभी तो सिर्फ हमने प्रोफाइल को मेन्यू एक्टिविटी ही सेट की है अभी। तो प्रोफाइल सेट, आपका प्रोफाइल लेआउट बनेगा, फिर प्रोफाइल में बहुत सारी चीज़ें होंगी कि आप कैसे उसको अपडेट करते हैं, कैसे आपको शो करते हैं। तो प्रोफाइल करने पर प्रोफाइल फ्रेगमेंट एड और रिप्लेस हो रहा है, ठीक है सही है। अबाउट अस पे क्लिक करने पर अबाउट फ्रेगमेंट हो रहा है, ठीक है। अबाउट टाइटल भी चेंज हो रहा है, बहुत सही चीज़ हो रही है, बिल्कुल जैसा हमने सोचा था बिल्कुल सेम वैसे ही हुआ है, तो कुछ खास चेंज नहीं हुआ। लॉग आउट पर क्लिक करने पर लॉग आउट हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं करूँगा क्योंकि मुझे लॉग आउट नहीं करना है। तो सिंपल है और काफ़ी सही चीज़ है, इसमें बढ़िया लगा। इसको थोड़ा सा हम क्लियर कर लेते हैं डाटा, आपका कचरा जो भी है हमारा इसको, क्योंकि हमें कुछ ज़रूरत है नहीं अभी इसकी, तो हम इसकी इसको बिल्कुल हटा देंगे। और ये भी हटा, गलत चीज़ हटा दी हमने, चलो कोई नहीं, कंट्रोल जेड कर लेते हैं। ऊपर वाली चीज़ हटानी थी हमें, ध्यान नहीं दिया हमने, फन ऑन क्रिएट मेथड हटाना था, व्यू हटा दिया था। और उसके बाद ये सिंपल आपने हटा लिया, आप तैयार रहिएगा इस को करके, और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोफाइल फ्रैगमेंट को बनाएंगे, उसके बाद अबाउट टेक्स्ट फ्रैगमेंट को बनाएंगे, उसके बाद हम चैट एक्टिविटी पे जाएंगे, क्योंकि तब हमारे पास डाटा होगा तो हम वहाँ पे शो कर पाएंगे कॉन्टेक्स्ट में या चैट में स्टेटस में। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कोई क्वेरी है अगर तो कमेंट जरूर करें। अगर सब वीडियो पसंद आ रहे हैं, वीडियो और भी देखने हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।